समझ नहीं आ रहा भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे। दीप आपने ट्राई किया क्या? हम तब से ट्राई कर रहे हैं आकाश, गुस्से में छोटे घर से गए थे, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ कुछ कर तो नहीं लिया होगा ना छोटे ने। अंजलि बिटिया काहे तबरी करत हो, अर्नब बिटवा जरूर अपनी मिस कश्यप से मिलने गए हुई है, बड़ी तो ई बात का करो कि कहीं वो भाग कर शादी तो नहीं करने गए, नहीं तो हेलो हाय मा हो जाए रनिंग मैरिज। अगर ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि वो हमरे नाती है, एक रिश्ता खत्म करके अगर वो दूसरे रिश्ते की नींव रखना चाहते तो उनकी मर्जी, पर हम मनोरमा की एक बात से सहमत है, हमरे हिसाब से भी छोटे वो मिस कश्यप से ही मिलने गए हैं। क्या हुआ इसे? हाय रे नंद किशोर, ईका का हुआ? ईका इसका कमरा था। हाय रे नंद किशोर, कोनो ऊंच नीच तो नहीं हुई गई है ना? ये चोट खुशी को, ये चोट कहां से लगी? बहुत ज्यादा लगी है क्या खुशी? हाय रे नंद किशोर, अब बोलते काहे नहीं हो, हमरी बच्ची को क्या हुआ है बताइए ना, इसे क्या हुआ है खुशी? अस्पताल ले जाने की जरूरत है क्या? अब बताइए तो सही। आप जानते हैं छोटे ना बहुत गुस्से में है और नानी बहुत नाराज है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे संभालें। आप जानते हैं ना जब ये दोनों इतने नाराज हो जाते हैं तो सिर्फ आपकी ही सुनते हैं। जी हम जानते हैं, नहीं हम समझते हैं। ठीक है हम रखते हैं। ए अंजलि क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मामी हम इनसे बात कर रहे थे, ये ना थोड़े परेशान लग रहे थे, हमें समझ में नहीं आया कि हम अपनी परेशानी इन्हें कहें या ना कहें। अरे तो कहो ना, अपनी परेशानी अपनन से नहीं कहोगी, नहीं तो कब फार्नर के पास जाओगी कहे के खातिर? फार्नर? फार्नर? बाहर के लोग? अपनी परेशानी अपने हस्बैंड से ही कही जात है। तामा जी तुम्हारी हर बात मानते हैं, है ना?